Hello and welcome to yet another show. Today on my show, I have somebody very special. He's in the news all over the place in terms of his new musical instrument. Let me invite Kavish Seth. Hi. Hi Kavish. Hi. Welcome to the show. Meri taraf se aapko dher sari badhaiya aapke musical instrument patent hone ki khushi mein. Noori, right? Yes. Noori. Kavish, मैं स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज नूरी बताइए हमें. हाँ, तो नूरी एक ऐसा ल्यूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मतलब ल्यूट यानी सिता सरोद गिटार ऊद रबाब की बिरादरी का है. तो इट बिलोंग्स टू दैट फैमिली ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो जिस पे आप बेसिकली तीनों स्कूल्स ऑफ म्यूजिक बजा सकते हैं, जो कि हो गया इंडियन क्लासिकल, हो गया वेस्टर्न, हो गया अरेबिक, हो गया. क्योंकि जैसे गिटार पे आप इंडियन क्लासिकल नहीं बजा सकते, सरोद पे आप कॉर्ड्स नहीं बजा सकते. तो मुझे कमी बहुत खलती थी जब भी मैं गिटार बजाता था तो, और कभी शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ बैठ गया तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए. तो नूरी इज बेसिकली दैट इंस्ट्रूमेंट वेर इन यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स. सो इट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मीटिंग. मतलब कोई भी वर्ल्ड आर्टिस्ट इस इंस्ट्रूमेंट को लेके कहीं भी जा सकता है, अपना म्यूजिक बजा सकता है, किसी के साथ भी बैठ सकता है और कोलैबोरेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. अभी तो फिलहाल ऐसा है नूरी में. इसकी अपनी आवाज़ भी है, मतलब इट्स इसकी आवाज़ रबाब से मीठी है और सरोद से ज़्यादा मैस्कुलिन है इसकी आवाज़. आपने ये इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? तो बहुत सिंपल सी बात है. मैं जागृति यात्रा करके एक ट्रेन एंटरप्राइज जर्नी होती है जो आपको लेके जाती है, तो मैं उस वक्त गोरखपुर में था उसी जर्नी में. तो मैं हम कुछ लोग गाने बजा रहे थे ट्रेन में गिटार पे. तो एक चाचा है और उन्होंने बोला ये क्या है, बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कुछ इंडियन बजाया करो, अपना बनाया करो. कह के चले गए और वो कह के चले गए. वो बात रह गई मेरे जहन में, बोला कि बात तो सही है कि यार मैं गिटार पे कुछ बजाता हूँ तो कोई फिरंगी देखता है और वो कहता नहीं है लेकिन नज़र से कह देता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन कुछ इंडियन सुनाओ, है ना. बाय दैट ही मीन्स इंडियन क्लासिकल, ही मीन्स इंडियन क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो फिर ये भी एक चीज़ थी दूसरी तरफ कि इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने चले तो सितार सरोद पे मैंने देखा नहीं लोगों को सॉन्ग राइट करते हुए. आई एम श्योर किया है लोगों ने लेकिन, और फिर उससे सीखने के लिए फिर गुरु शिष्य परंपरा करनी पड़ेगी. वो स्कूल और डराता है क्योंकि वहाँ हमने सुना है कि गुरु से सीखने जाएं तो गुरु के बर्तन मांजने पड़ेंगे, उनकी बेटी की शादी में फूल लगाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा. इतना वक्त है क्या हमारे पास? हम तो मतलब एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं. तो वो एजुकेशन इज दैट इवन पॉसिबल एट दिस पॉइंट? तो ये दो चीजें थी मेरे पास जहन में चल रही थी. फिर मैंने सोचा कि क्या यार हम अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसमें गिटार के कॉर्ड्स भी हम यूज कर सकें, जो सॉन्ग राइटिंग में काफी जिस तरीके से मैं करता हुआ आया था तब तक, और हम उसकी जमीन भी इंडियन हो, मतलब उसकी नींव एक तरीके से इंडियन हो. बेसिकली बहुत रबाब और गिटार का एक आइडिया को लेकर चला था. बट एज आई स्टार्टेड टू मीट मोर एंड मोर आर्टिस्ट एंड स्टार्टेड टू कोलैबोरेट, मैं बनारस जब पहुंचा तो जब शास्त्रीय संगीत से मुलाकात हुई तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट का जो आइडिया था वो बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा. फिर मतलब ट्रिगर इवेंट ये था. उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब रिसर्च करते 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 बात करते करते सीते 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 वो इंस्ट्रूमेंट. नूरी के लिए क्या विजन है कविश आपका? तो नूरी का विजन जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड म्यूजिक जो है जहाँ पे आर्टिस्ट कोलैबोरेट करना शुरू हुए हैं, जैसे अब तो हम घर घर बैठ के ही एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं. सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि पहले तो इंडियन ही हो, क्योंकि इंडियन म्यूजिक सीन में भी मतलब एक क्लासिकल सीन है, फिर हम बीच में एक सीन को बोलते हैं जो फोक है, फिर एक सीन है जो इंडी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है. तो इन्हीं में बैठक नहीं हो पाती ढंग से बहुत ज्यादा, इनमें बहुत ही ज्यादा मतलब फ्यूजन होता है, मतलब जो कोशिश होती है लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स पे नहीं हो पाती. तो बेसिकली नूरी बिकम्स दैट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे ये पॉसिबल हो जाएगा
कि एक मतलब वैसे देखा जाए तो सारा इंडियन म्यूजिक शास्त्रीय हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक से बिलोंग करता है, यानी शास्त्रीय उसकी नींव है। और वेस्टर्न जो है, जो कॉर्ड बेस्ड म्यूजिक है, वो काफी अलग है फ्रॉम इंडियन म्यूजिक, मतलब नोट्स वाइज, कि वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स ही अलग यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ श्रुति यूज होती है, वहाँ नोट्स यूज होते हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मैच नहीं करती हैं, तो विच इज वाई वो इतना स्टार्क डिफरेंस दिखता है जब भी वो दोनों बैठते हैं। तो नूरी के साथ वो आप माइक्रो टोनल्स यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली इट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलैबोरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है कि इट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलैबोरेशन, वेयर एंड यू कैन प्ले कॉर्ड्स, यू कैन प्ले श्रुतिज, तो आप अरेबिक म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, तो इमेजिन करिए जो काम वैसे वायलिन करता है एक तरीके से, जैसे वायलिन अरेबिक, वेस्टर्न, इंडियन सब में प्रेजेंट है। एक वायलिनिस्ट जा सकता है, यस ट्रैवल कर सकता है थ्रू आउट द, लेकिन एक गिटारिस्ट की एक लिमिटेशन हो जाती है, मतलब कि वो कॉर्ड्स बजा लेगा अगर शास्त्रीय संगीत के आर्टिस्ट के साथ बैठा है या अरेबिक आर्टिस्ट के साथ बैठा है, लेकिन उसको मतलब वो लड़ाई करते हुए देखते हैं कभी भी साथ में इतनी देर से, अगर सितार और गिटार को बिठा दिया साथ में, सितार इमिडिएटली कैप्चर कर लेगा स्पेस को, क्योंकि सितार की जो नोट्स जो वो यूज करते हैं, श्रुति यूज करते हैं, वो नेचुरल होते हैं और गिटार की इक्वल टेम्परामेंट होता है, तो मतलब थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ मैं, तो विच इज वाई गिटार एंड पियानोज वर नेवर मेंट टू बी अ सोलो इंस्ट्रूमेंट, दे वर मेंट टू बी हार्मनी इंस्ट्रूमेंट्स, दे वर मेंट टू राइट हार्मनीज, तो विच इज वाई इट हेल्प्स इन सॉन्ग राइटिंग, बिकॉज आप गाते हो तो वो ट्रू नेचुरल होता है, स्वर लगाता है, लेकिन आप जब कॉर्ड्स बजाते हो तो वो हार्मनी देता है, तो हमारे यहाँ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में या अरेबिक इंस्ट्रूमेंट्स में हार्मनी देने का कॉन्सेप्ट नहीं, तो नूरी में यह दोनों चीजें मुमकिन हो जाती हैं। मुमकिन हो जाती है। हाँ काविश, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस शुक्रिया। वाज वेरी इंसाइटफुल और बहुत मजा आया। मैं आई कांट वेट कि मुझे भी देखना है कि कैसे साउंड करता है, मुझे भी सुनना है कैसे साउंड करता है। तो आपके नया म्यूजिक जो आने वाला है वो डेफिनेटली उसमें नूरी का एक बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। ये मुझे आपकी स्माइल देख के ऑलरेडी मुझे इसका अंदाजा हो चुका है। जी। तो वी ऑल आर वेटिंग टू हियर न्यू म्यूजिक फ्रॉम यू एंड स्प्रेड इट टू द वर्ल्ड। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम।